वेलकम बैक। तो भाई आटे के लिए तिल तिल तरसता पाकिस्तान, फिजा खान गुस्से में बिल बिलाई। देखते चलो हैं। देखते हैं, कई वीडियोस आ रही हैं जिसमें कई, पता है मैं सच बताऊं कि जब एक आम इंसान को देखते हैं ना, जैसे एक मैंने देखा था, वो ओल्ड से थे और ऐसे रो रहे थे कि बच्चों के मैं कैसे जाऊं, हाय तो बड़ा दुख हो रहा था। चाहे कोई भी कंट्री हो, कैसी भी रिलेशंस हो, पर एक इंसानियत के हिसाब से जब देखो उनकी दो प्रॉब्लम्स थी उस वक्त। उनकी एक प्रॉब्लम ये थी कि जब मैं आता हूँ तो लाइन लगी होती है और जब तक मैं करता हूँ तब तक सब खत्म, और नौकरी भी नहीं है। वो कहते हैं पैसा ही नहीं है, पैसा भी नहीं है, नौकरी मेरे पास है ही नहीं, नौकरी चली गई, कहते पैसा नहीं है तो क्या। वो देख के बहुत दुख होता है। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान 76 साल की बदतरीन सियासी और मौशी सूरत हाल से दो चार है। देश संकट में है। मुल्क का मौशी बहरान संगीन हो चुका है। महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत के नए रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं। आंटी जी कितनी देर से खड़े हो इसे? आठ बजे दी आई है। आठ बजे के खड़े हैं जी? आठ बजे दी आई है। क्या कहते हैं ये लोग? कहते आटा नहीं है, मैं दो गुठे पे, मैं चल एक ही मिनट दे दो, मैं इड्डी दूरों तुर के आई, रात में चौल पकाए, सवेर दे उदा ही आए बच्चे घर वा। अच्छा, बच्चे भूखे हैं? आटे के सात अठ जी असि खान वाले हैं। अच्छा, तीन दिन गुजरते हैं 10 किलो से? हाँ जी। अच्छा, ये देख क्यों नहीं रहे, कहते हैं आटा खत्म हो गया? खत्म हो गया, आटा नहीं मिल रहा, अगो नहीं आन रहा, दुनिया बहुत ही आटा थोड़ा होता। तो आप आटा लेने के लिए अकेले आई हुई हैं? पैदल ही आई? हाँ जी, तुर के आई, सुबह दी आई, 8 बजे दी घरों आई हैं। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट प्रोडक्शन सप्लाई चेन डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स रिटेलर्स और कंज्यूमर तक परेशान है। गुज़िश्ता 8 माह में महंगाई की जो शरह है उसमें होशरुबा इजाफा हो चुका है। डॉलर की बढ़ती कदर ने रुपए को रोंद कर रख दिया है। ज़र मुबादला के ज़खीरे इंतहाई कम रह गए हैं। कारोबार मामला के लिए भी अब जो डॉलर मार्केट में नहीं मिल रहे हैं। फिजा खलीफा का ये दुख हमसे नहीं देखा जाता। मैं आज पूरे पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को ये ऑफर करना चाहता हूँ कि आप हमसे 100 किलो आटा ले लो, फिजा खलीफा हमको दे दो। नहीं चाहिए। हमारे हिंदुस्तानी भाई फिजा को कभी आटे की कमी नहीं आने देंगे, उसका बहुत ख्याल रखेंगे। प्याज टमाटर जो भी होता है, जो चाहिए होता है पाकिस्तान को, वो सब हमारे हिंदुस्तानी भाई देंगे। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। अरे आ गया। पाकिस्तान कंगाल तो बहुत पहले ही हो चुका था, लेकिन अब कंगालों का निकल गया दिवालियापन। अभी आ गए रोड पे, क्योंकि अब इनको पहले तो प्याज टमाटर के लाले पड़े हुए थे, अब इनको आटे के लाले पड़ गए, जो कि एक आम जिंदगी का जरूरी हिस्सा है। सही बात है। अब आटा ही नहीं खाएगा, रोटी नहीं खाएगा तो बंदा तो वहीं ढेर हो जाएगा। लेकिन वैसा भी ये पाकिस्तानी है, ये नहीं सुधरने वाले है। रस्सी जल गई है लेकिन बल नहीं गया है। आप पाकिस्तान की महंगाई का आइडिया इसी बात से लगा सकते हैं। पाकिस्तान में जो सब्सिडी वाला आटा ना, जो गवर्नमेंट देती है गरीब लोगों के लिए, वो भी 50 रुपए किलो है। एक दिन में सिर्फ 50 कट्टे देती पूरे वार्ड के लिए। अब आप सोचो क्या हालत है, लोग मारा मारी कर रहे हैं, महिलाएं सारे काम छोड़ के सुबह 6 बजे आटे की लाइन में लग जाती है। ये तो दशा हो गई है इनकी। 6 बजे की 5 बजे की जो औरतें यहाँ पे आई भी होती हैं, सिर्फ जलील करने के लिए हुकूमत हमें रह गई है सारी दिन। अब इनके साथ कितना भी बुरा बीत रहा हो, लेकिन ये अपनी जहालत कभी नहीं छोड़ेंगे। ये है सच्चे पाकिस्तान की सच्ची आवाज। तो फिर देरी किस बात की, चलते पाकिस्तान। शिवाज शरीफ साहब ने ऐलान किया कि पाकिस्तान के अंदर गंदुम, हमारे पास जो आटा है वो उसकी कमी पूरी नहीं हो रही, तो सोच रहे हैं कि बाहर की कंट्री से इंपोर्ट की जाए। क्या वजुआत है सारा, मैं जरिए मुल्क होने के बाद भी अपनी आटे की जो कमी वो पूरी नहीं कर पा रही, दूसरी मुल्कों से मंगवाने की सोच रहे। क्या ट्रेड हमें इंडिया से कर लेनी चाहिए दोबारा? इंडिया से ट्रेड फर्स्ट जो होती है ना, फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं करनी चाहिए, कि हमें उसके अलावा कोई और मार्केट ढूंढनी चाहिए, कि हमें इंडिया के अलावा तो कहीं और से भी मिल सकती है, तो इंडिया से ही हमें मिलेगी, ईरान से मिल सकती है। मैंने तो आपको पहले बोला था जाहिल मिला है, और जाहिल जहालत ना टपका है, कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। मतलब ये ना कि हमें फायदा हो तो अलग बात है, तलुकात सही ना होना अलग बात है, तलुकात सही किए जा सकते हैं, गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। एक साथ भी तो किए जा सकते हैं, तलुकात सही वो सही किए जा सकते हैं, लेकिन हमारे वो इसलिए कि वो हमारे साथ सही नहीं होंगे, हम जितना मर्जी उनके साथ सही हो जाए। ये बात आपको किसने कही? ये हमें समझ आती है। समझ इस तरह आती है ना कि वो हिंदुइज्म में जितनी दफा भी उनकी तरफ हाथ बढ़ाया, उन्होंने हाथ काटने की कोशिश की। हिंदुओं तुम बहुत जालिम इंसान हो, इन मासूम आतंकवादी पाकिस्तानियों के तुम हाथ काट देते हो, गलत करते हो, मत किया करो ये, देखो कितना दर्द हो रहा है उसको। अबे साले
ये हम पढ़े लिखे आदमी हम न्यूज देखते हैं, न्यूज पेपर पढ़ते हैं, अच्छा अपनी बुक्स पढ़ते हैं, ठीक है कौन सी? कोई भी बुक्स हिस्ट्री की, 5 साल मैंने लाइब्रेरी में जॉब की है, ठीक है समझ गया। डस्टिंग करने की कौन सी ऐसी किताब? गंदम मैंने खुद लगाई हुई। कौन सी, कहाँ पर ऐसे हुआ कि जब आपने हाथ बढ़ाया तो इन दोनों का हाथ काट दिए होंगे? अब मिसाल दी आपने तो कब? वाजपेयी के साथ जब बढ़ाया था, जब उनको बुलाया था, उसके बाद उन्होंने खुद ही हमले करवाए। कौन से? कौन से? न्यू दिल्ली में जो हुए थे। अच्छा, पाकिस्तान में इल्जाम लगा दिया। इस बात पे तो इस भाई को ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। बंदे ने 5 साल लाइब्रेरी में जॉब की, लेकिन इसका नॉलेज और फैक्ट के साथ में दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। डस्टिंग करते थे, फिर कहते हैं कि हिंदुस्तानी हमें गाली क्यों देते। भाई अटल बिहारी वाजपेयी जी खुद बस लेके गए थे पाकिस्तान में, और पाकिस्तान ने पीठ में चुरा घोंपा था हिंदुस्तान के, और जो तुम्हारे पाले हुए आतंकवादी है इन्होंने ही दिल्ली में अटैक किया था। समझ में आई? खुद की पार्लियामेंट पे अटैक करवा लिया। मेरे भाई इतना नीचा आदमी कोई नहीं गिर सकता है, सिर्फ पाकिस्तानियों को छोड़ के, क्योंकि ऐसी हरकतें तुम्हारे यही होती है, तो तुम्हारा ऐसा सोचना जायज बनता है। ये पाकिस्तान की है, हालांकि वो खुद उन्हें खुद करवाए थे। अब तो सच बोल दे के। तो ये इन वजूहात से कह रहे कि जब हम हाथ बढ़ाते तो। हाँ जी, वरना ट्रेड करेंगे तो उनके साथ बेनिफिट तो नजर आता हमें है, करना लेकिन ही नहीं ये है। नहीं है कि अपने थोड़े से बेनिफिट के लिए अपनी जो वो होती है सेल्फ रिस्पेक्ट वो खत्म कर लें। तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, वो भी पाकिस्तानियों की। हारी कॉमेडी में अपनी जो वो होती है सेल्फ रिस्पेक्ट वो खत्म कर लें। हारी कॉमेडी में नेपाल के बढ़िया के सर, अब देखे ना, अब आटा मिल नहीं रहा, तो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि अभी जहाँ से सस्ता आटा मिलेगा, हो सकता है कि इंडिया से भी करें। इंडिया से सर, जब हम आप इमरजेंसी ट्रेड करवा कर जब हम टमाटर लेते हैं उनसे, तब सर थोड़ा सा हमें तब भी सोच लेना चाहिए। सोचना चाहिए, ये गंदम है ना जो मैंने खुद लगाई हुई है, गंदम तकरीबन 10 एकड़ मैंने खुद लगाई हुई है, गंदम नहीं खत्म होती। और ये गंदम किसान बेच देता है, अभी रेट इन्होंने 3,000 निकाला है, किसान 3,000 में बेच देगा। जो स्टॉक करने वाला माफिया है ना, वो बहुत मजबूत हो चुका है। ये कितने केजी देने की बजाय ना, इनको स्टॉक जो स्टॉक करते हैं इनको पकड़े। आप कितने का केजी देते हैं? लास्ट टाइम हमने दी थी मेरे 2200 रुपए में केजी, नहीं मन केजी कितने के? केजी आप उसके अंदाजा लगा ले, कोई 100 के करीब भी नहीं पड़ती। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, गंदम बोलते किसको है? जो गेहूं होती है, कनक होती है, जिसको अनाज भी कहते हैं हम लोग, तो उसको ये लोग गंदम बोलते हैं। ये जो से इसको आटे में कन्वर्ट करवाया जाए तो कितने के बने? आटे में आप कन्वर्ट करवाएंगे ना, 2200 की अगर वो किसान बेचता है, उसमें जो वो 400-500 उसकी पसवाई वगैरह होती है, 2500-2600 रुपए की 40 किलो पड़ती है। बाजारी कितने का मिल रहा है? बाजारी तो हमने जरूरत ही हमने कभी बाजार से लिया ही नहीं, क्योंकि हमारी गंदम अपनी घर में पड़ी हुई है। तो आप मुझे देंगे वहाँ से अगर मैं लेने आऊंगा? आटा मिल नहीं रहा भाई, क्या करें? दे देंगे। कितनी दे? अभी तो थोड़ी होगी, अभी अगर आप कहेंगे ना मुझे 2-3 माह तक, फिर आप जितनी दो मन हाँ दे देंगे, 3 मन दे देंगे, 2 दे दूंगा। ये रिपोर्टर भाई तो अपने आटे का इंतजाम करने में लग गया। मैं जॉब करता हूँ। क्या जॉब? आईटी की फील्ड से। बहुत जबरदस्त। बेसिकली बात करने का पर्पस ये कि पाकिस्तान में आटे का बहरान है सर, आटा तकरीबन 150 रुपए पर केजी है। अगर बात करें तो 2200-2300 रुपए का तोड़ा मिलता है हमें, 20 किलो का, 10 किलो का, बहुत महंगा हो चुका है। तो अब आटा नहीं है मुल्क के अंदर, तो शहबाज शरीफ साहब सोच रहे हैं कि बाहरी कंट्री से इम्पोर्ट की जाए। क्या लगता है कि कौन सी कंट्री ज्यादा बेस्ट है कि आटा हम जिसे इम्पोर्ट कर सके? पहली तो चीज ये है कि इम्पोर्ट करने के लिए डॉलर है जो इम्पोर्ट करेंगे, इम्पोर्ट करेंगे डॉलर ही नहीं है तो शहबाज शरीफ कहाँ से इम्पोर्ट करेंगे? मेरे भाई क्या बात कही, जब इन भूखे नंगों के पास पैसा ही नहीं है तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सपने देखते रहो भाई, देखते रहो। भुट्टो ने एक बार कहा था ना कि हम घास की रोटी खाएंगे लेकिन परमाणु बम बनाएंगे, तो भैया खा लो घास की रोटी। बेस्ट कंट्री आपको मुस्लिम कंट्रीज में से देखनी चाहिए कि कौन सी है। मुस्लिम कंट्रीज अरब से कहाँ से लेंगे पैसे? तो ले लिए इन्होंने सब कंट्रीज से, वहाँ पर तो जरा वो तो पैदावार ही नहीं होती सर। इस मेरे भाई को गंदुम चाहिए तो वो भी मुस्लिम कंट्री से चाहिए। क्या सोच रहे तेरी, क्या सोच? जबकि ये बंदा पढ़ा लिखा पाकिस्तानी गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है। गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ, आईटी डिपार्टमेंट। पढ़े लिखे लोगों का ये हाल है तो अनपढ़ गंवारों की तो बात ही छोड़ दो। अब आपको करने 3 काम और करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके भाई का एल्गोरिथम की बैंड बच चुकी है। एक कमेंट कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए, एक शेयर कर दीजिए। टारगेट रखते 12,000 लाइक। 12,000 लाइक करवा दोगे इस वीडियो पे, आपका भाई दिलो जान से मस्त मस्त वीडियो लाएगा। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भैया इन्होंने जितनी बोली इनकी कर देना, हमने 12,000 लाइक बोल रहे हैं, हमें छोटा टारगेट रखा था, मिनी टारगेट। इनसे हमें पता चलता है, नहीं तो हम तो परवाह भी नहीं करते, हमें पता ही नहीं होता। पर देख लो भैया, बैक टू दिस, कि कहते ना क्या बोलते हैं, रस्सी जल गई नहीं, क्या होता है, पर बल नहीं जला,
क्या था भैया, रस्सी जल गई पर बल नहीं समथिंग। यार कितने अच्छे अच्छे आते थे, सब भूलती जा रही हूँ इतने सालों में। नहीं मतलब जो भी है, देखिए पॉइंट इनका सही था कि आप एक्सपोर्ट तो मतलब छोड़ दो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो उनका कुछ है ही नहीं। अगर एक्सपोर्ट करते तो माल आता, बट इंपोर्ट भी आप नहीं कर पाएंगे, तो ये प्रॉब्लम है। और दूसरा जब कह रहे हैं कि आप ये तो कटोरे से ही ले सकते हैं भैया। देखिए उनका एक ये, जैसे एक भाई साहब ने कहा था कि आप और मुस्लिम नेशन से ले सकते हैं, तो अच्छा बोला कि आप कहाँ जितने भी और मेन मुस्लिम नेशन है वो खुद रेगिस्तान है, वो खुद ही दूसरों से लेते हैं। वो ये वो कहते हैं भाई जो दूसरे मेन मेन मुस्लिम नेशन की जिसकी बात कर रहे हो तुम, उसको भी समझ आ गया था कि मेन जो बोल रहे हो मुस्लिम नेशन वो सारे रेगिस्तान है, वो खुद अपने लिए इम्पोर्ट करवाते हैं, तो उनसे लोगे मतलब वो पहले इम्पोर्ट करेंगे अपने पास फिर उनसे लेंगे, तो डबल ट्रिपल में लोगे वो लेने को, मगर इंडिया से नहीं लेंगे क्योंकि प्रॉब्लम आती है। मगर अल्टीमेटली सब चीज़ों को उन्होंने ख़त्म कर दिया बोल के भाई तुम्हारा डॉलर ही नहीं है, तो क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो कहाँ से लोगे, जब तुम ले ही नहीं सकते तो पूछ क्यों रहे हो। मज़ेदार था यार, मज़ेदार था। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।